हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में मैटेड कनेक्शन एरर के कारण सेटअप इनकम्प्लीटेड। इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट पे राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ एंड डिवाइस दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा डाउनलोड रैब एंड डिवाइस सॉफ्टवेयर ओवर मैटर कनेक्शन। यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पे ऑफ है या नहीं। यदि ऑन होगा तो इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। और प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।